अस्सलाम वालेकुम, एक्सीलेंट टीवी के साथ मैं हूँ ज़ैनब भट्ट। आज की हमारी टॉप स्टोरीज ये हैं। रमजान में प्यास का क्या इलाज है? रोजों में गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? पहली सहरी में क्या कुछ खाया? करीम मार्केट में बिकने वाला अनोखा खाना। गर्मियों में रोजे हैं, ऐसे में प्यास लगे तो क्या करेंगे? रोज़े में जो प्यास है ये तो देखिए एक मामूली बात है, हर किसी को प्यास फील होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप रोज़ा किसी के लिए नहीं रख रहे, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रख रहे हैं। प्यास से ये इलाज होता है कि हम लोग अपने गले की थूक वगैरह अंदर डाल ले तो प्यास खत्म हो जाती है। लस्सी जो है ना, मैंने आज सुबह अपना रोज़ा भी लस्सी के साथ रखा है, इससे ये होगा कि आपको प्यास नहीं लगेगी। पानी सामने हो तो उसमें नाक डुबोल है, बंदा उससे पानी भी अंदर आ जाता है, रोज़ा भी नहीं टूटता। प्यास का तो इलाज ये है कि आप जो है बार बार नहाते रहें, जिस्म पे पानी बार बार डालने से भी जो है प्यास जो है वो कम लगने लगती है। रोजे में भूख प्यास के सबब गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा तो हराम है, ऐसे में गुस्सा आए तो आप क्या करेंगे? रोज़े में गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक तो रोज़ा लग रहा होता है, ऊपर से जैसे गर्मी है और लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं तो गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता। मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूँ, जब मेरा रोज़ा होता है ना वो फिर बंदा किसी से कॉन्टेक्ट करता है तो फिर वो ज़्यादा होता है कि गुस्सा आ जाता है, फिर गलत बात हो जाती है। रोज़ा खाली भूख प्यास बर्दाश्त करने में ही नहीं होता, रोज़े में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए, सब्र भी उसमें एक बहुत आम किरदार अदा करता है। रोज़े में गुस्से का कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस वक्त इबादत में हैं, आप अल्लाह ताला के हुजूर इबादत हैं, अल्लाह ताला के मेहमान हैं। रोज़े में गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। पहले रोज़े का अहतमाम कैसे किया? आज पहली सहरी में क्या कुछ खाया? मैंने सहरी में पराठा और दही खाई है, और अगर हम सहरी में लस्सी पिए तो प्यास नहीं लगती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सहरी में हमने पराठे बनाए थे, साथ में अचार था, और हॉस्टलाइज हैं तो घर से अम्मी ने जो सालन बना कर दिए थे वो खाए थे। मैंने आज सहरी में कुछ नहीं खाया, मैंने सिर्फ पानी पिया था, और इसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रहा था कि डाइटिंग करूँ, लेकिन अब रमज़ान आ गया तो मैंने कहा सुबह सुबह उठ के बाहर सहरी करने के बजाय पानी पी कर रोज़ा रख लिया करूँगा। सहरी में तो रात का पिज्ज़ा पड़ा था, वही खा के जल्दी में आ गया। सबसे पहले दो पराठे खाए हैं, फिर तीन गिलास लस्सी के पिए, दो दही के प्याले खाए। करीम मार्केट में कुछ ऐसा खाना मिलता है जो पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, एक्सेलेंट टीवी के साथ मैं हूँ शहाम शाहिद। लाहौर चूँकि खाबों की वजह से मशहूर है, तो इसी वजह से आज हम लाहौर के एक मशहूर मार्केट क्रीम ब्लॉक मार्केट में मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये दुबई से ये काम सीख कर आए थे और यहाँ पर इन्होंने इस काम को परवान चढ़ाया। भाई जान, हमने आपके बारे में सुना है कि इस मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले स्पायर पोटैटो स्टिक्स को आप थे। जी हम थे, भाई से मेरे भाई ने किया था, दुबई से हमने सीखा है और मार्केट में मुतारफ हम कराने वाले हैं स्पायर पोटैटो स्टिक्स। यार ये आलू को कैसे आप गोल करते हो, हमें भी करके दिखाओ यार। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं भी सब्री से खाने का इंतजार कर रहा हूँ। खाते हैं इसको। जैसे कि इसके बारे में सुना था, जायका उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। आप लोग यहाँ जरूर आए, इसको खाएं और टेस्ट कीजिए और इसके जायके से लुत्फ अंदोज हो। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सीलेंट टीवी।